ये देखे गाइस यहाँ पे पूरी बिल्डिंग वगैरह तेरी टूट गई अभी, बिल्डिंग है पूरी, ये बराबर में सुन रहा बिल्डिंग है, पूरा मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। चने लेता हूँ मैं, चने यहाँ से लूँगा, ये पैसे रखा हूँ, अंडे वाले चने। सुबह का नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है और हर बार सुबह का नाश्ता जब भी लेना होता है मैं यहाँ से लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह में स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैंने लगाए हैं मशीन कपड़ों की, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। कपड़े लगाए हुए हैं और वहाँ पानी भरने गई हुई थी लेकिन पानी मिला नहीं आज। और आज सुबह का हमारा किचन की हालत कुछ ऐसी थी क्योंकि रात को मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो किचन ऐसा कैसा है, मैंने कुछ भी नहीं किया था रात को काम। अनदे के पापा को मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, अनदे के पापा को मैंने यही कहा कि पहले आपने जो है ना नाश्ता लेके आना, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया ना। मैं जब भी कपड़े धो रही होती हूँ ना तो मुझे जो है ना नाश्ता बाहर का ही चाहिए होता है। तो आ गए अनदे के पापा, तो अभी ये नाश्ता लेने जाएंगे और मैंने इनको कहा है कि नाश्ता लेकर आओ बाहर से, क्योंकि मैंने घर में नहीं बनाना है आज। तो अभी ये जाएंगे और बाहर का जो है बाहर का आपको व्यू करवाएंगे कहाँ से नाश्ता लेते हैं। अभी फरमाइश है कि भाई नाश्ता बाहर का खिलाओ। एक मिनट में लाइट ऑन कर लो ना, ऑफ कर लो, ऑन किया ऑफ, हाँ अभी देखो लाइट सही ना। तो ये देखा अभी इनकी फरमाइश है कि नाश्ता बाहर का खिलाओ, तो मैंने सोचा चलो मैं ले आता हूँ। तो जाते हैं नाश्ता लेने के लिए, आपको दिखाएंगे बाहर का भी। हाँ। और ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। तो चलिए अभी जो है ना ये नाश्ता लेके आते हैं और कैमरा लेके जाएंगे। तो चलिए चलिए अभी मिलकर नाश्ता लेने। चाय बना लेते हैं फिर आना, ठीक है? ये तो यहाँ पर गैस पे मैंने रखी ही दी थी, मैंने कहा जब तक अनवे के पापा नाश्ता लाएंगे तब तक मेरी चाय जो है वो रेडी हो जाएगी, लेकिन गैस था नहीं। रात को और सुबह जल्दी जो है ना गैस चला जाता है ना, तो ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बीच का जो ये चूल्हा आपको नज़र आ रहा है ना छोटू सा, इसमें ऐसा होता है ना कि हर चीज़ बन जाती है, लेकिन ये टूटा हुआ है लेकिन फिर भी चले रख दिया। और चाय यहाँ पर मेरी हो रही है जो है, कपड़े घूम रहे हैं और बाकी कपड़े जो है मैंने यहाँ बाल्टी में निकाल लिए हैं, जो कि अभी मैंने इसको धोना है। और बाकी ये कपड़े अभी घूम रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम लगना है कपड़े धुलने में, बाकी के अभी भी हैं। और कपड़े धोना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे अब बच्चे वहाँ सो रहे थे, रोहान और नावे दोनों सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ, चाय तो मैंने चढ़ा दी है गैस पर गैस नहीं है, देखो गैस नहीं हो, कैमरा पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो रहा है, तो कैमरा कर गया, ये क्यों फोकस नहीं हो रहा है पापा। तो चलो गए हुए हैं नाश्ता लेने के लिए और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, चाय पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी जो है ना वो निकाल, तो मैं ना जब भी कपड़े धो रही होती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मैं बाहर का नाश्ता करूँ, और मुझे ना ऐसा क्योंकि मैं दोपहर को तो खाना खाती नहीं हूँ, मैंने तो जो है वो सुबह का नाश्ता कुछ जो करती हूँ उसी में जो शाम तक मुझे चलना होता है, तो बड़ी भूख लग रही होती है, तो इसीलिए चाय निकलने वाली है। हाँ तो इस वजह से क्या मैं नाश्ता जो है ना एकदम ठीक वाला कर लेती हूँ ना, तो मुझे शाम तक ना ठीक रहता है। तो मैंने भी पापा को ये कह रही थी कि कहना भी स्कूल की छुट्टी है ना, तो मैंने अनवे पापा को बोला कि आज ना आप नाश्ता, क्योंकि अनवे पापा की ना आज जल्दी आँख खुल गई थी, जल्दी जो मशीन की आवाज़ होती है ना उठ के बैठ गए थे। मैंने बोला ना आप ना नाश्ता लेकर आओ ना बाहर का, तो बोलते हैं ठीक हो, तो मैंने बोला कि अनवे स्कूल जाते तभी बाहर का नाश्ता आप लाते हो, वैसे नहीं लाते हो, तो गए हो ना आपकी आँख तो खुल ही गई है, तो आप प्लीज़ नाश्ता लेकर आओ ना, तो मैं ना अच्छे से कपड़े धो लूँगी। और सुबह सुबह ना मेरी हंसी भी नहीं कर लेती, तो चलिए अभी जो है अनवे गो पाएंगे ना, तो जो बीजे जो है ना कंटिन्यू करोगे, ठीक है? अभी तो फिलहाल मैं यहाँ चाय बना रही हूँ गैस पर और मशीन की आवाज़ है, घुमा देते हैं। तो चलिए अनवे गो पापा जब आएंगे ना तो वीडियो कंटिन्यू करोगे, ठीक है? ये देखे गाइस यहाँ पे पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी टूट गई अभी, बिल्डिंग है पूरी,
ये बराबर में सुमरा बिल्डिंग है, पूरा मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। ये पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग थी ये। तो ये हमारी बिल्डिंग से बिल्कुल टेस्ट थी। अब हम नीचे उतर रहे हैं। अभी थोड़ी सी रह गई है दीवार इसकी। अभी हम खड़ामाकी के इलाके में आ गए हैं। कचरा कुंडी है बहुत बड़ी, ये गाड़ी खड़ी है। अभी मैं पहुंचा हूँ खड़ामाकी पे। अब यहाँ से मैं चने लूँगा, आपको चने भी दिखाएंगे कि मैं चने कहाँ से लेता हूँ सुबह के नाश्ते के लिए। चने लेता हूँ मैं, चने यहाँ से लूँगा, ये पैसे रख रहा हूँ। अंडे वाले चने, सुबह का नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है और हर बार सुबह का नाश्ता जब भी लेना होता है मैं यहाँ से लेता हूँ। आप भी कभी ट्राई करें, चने बहुत अच्छे होते हैं इनके माशाल्लाह। खाएंगे तो दोबारा वापस आएंगे। ये खड़ामाकी के एरिया में होते हैं, खड़ामाकी का इलाका है। यहाँ पाए भी आपको मिलेंगे, चने भी मिलेंगे। चले, चने मिल गए हमें। अब हम वापस जा रहे हैं अपने इलाके में। अब वहाँ से हम पराठे लेंगे। अपने इलाके में, फिर वहाँ से फिर जाएंगे सीधा घर पे, करेंगे सीधा नाश्ता। ये बड़ी गाड़ी खड़ी है और ये बिल्डोज़र चल रहा है। यहाँ से सारा कचरा भर रहा है यहाँ पे इसके अंदर डंपर में। ये इलाके की बहुत बड़ी कचरा कुंडी है हमारी, सारा कचरा यहाँ जमा होता है। ये देखें, ये पूरी कचरा कुंडी है। इतनी बड़ी जगह है केएमसी की, यहाँ कचरा जमा होता है, फिर इस गाड़ियों में भर भर के जाता है, गाड़ियाँ ले जाती हैं। ये डालेंगे कचरा। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। ये भी केएमसी की बड़ी जगह है, हर साल यहाँ बकराईद में मंडी लगती है। अभी भी गायें खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिकने की नहीं है, ये ऐसे ही खड़ी हुई है। कट्टू माल जो होता है ना, कसाई जो गोश्त बेचते हैं वो वाला माल है। तो ये भी देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ये मस्जिद है, मुर्तजा मस्जिद, ये अभी माशाल्लाह से बनी है यहाँ पर, मुर्तजा मस्जिद। इनको बनाने में मेरे कज़नों का भी बहुत हाथ है माशाल्लाह। मेरे कज़न है जो इनके ऊपर इस मस्जिद को बनाने में बहुत मेहनत करी है, वो
और आज ये मस्जिद आपके सामने देखे कितनी माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई है। हमने पराठे भी ले लिए। अब ये देखें कि बिल्डिंग का मलबा सारा उठा रहे हैं। पूरी बिल्डिंग टूट गई है। अब हम चलते हैं हमारी बिल्डिंग में। ये हमारी बिल्डिंग के नीचे की पार्किंग है। ये आ गया गेट। फाइनली अपने घर पे आ गए। सांस बहुत हो रही है। तो फाइनली अपने घर आ गया। नाश्ता लेके सुबह का अंडे वाले चने पराठे। आप भी बोलोगे कि इस्माइल भाई की रोड पे तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, घर पे आके आवाज़ बहुत निकल रही है। तो क्या करें, रोड पे सबको देखना पड़ता है। लोग मुझे देखते हैं कि ये मोबाइल ऐसे क्यों लेके जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा वॉल्यूम में अपना कम रखता हूँ ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। लोग जो है ना वो बहुत अभी छः माले चढ़ गया हूँ तो सांस भी हो रही है। तो अभी नाश्ता खाते हैं, फिर आपको नाश्ता भी दिखाते हैं। तो आपको याद आया और आ रहा होगा कि सबसे फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी, सबसे फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर मैं इसी चने वाले की मैंने बनाई थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वीडियो किस तरह बनाते हैं। मैंने वीडियो ऐसे मोबाइल पकड़ के बनाई थी, खड़ी वीडियो। तो वीडियो यूँ बनती है लेकिन मैंने यूँ बनाई थी। वो फर्स्ट पहली वीडियो थी मेरी। और उसको भी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए उस वीडियो को भी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो अभी आए नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि टाइम 10 बजे है। अब इनकी ड्यूटी का भी टाइम हो गया ना, काम पर भी। हाँ, ड्यूटी पे जाना है। फटाफट नाश्ता करके मैं निकल, ये अपनी ड्यूटी पे, मैं अपनी ड्यूटी पे लगूंगी। काम पे जाएंगे इंशाल्लाह।